मांधाता विधानसभा क्षेत्र के ग्राम नीमखेड़ा में कृषि मंत्री कमल पटेल ने भाजपा प्रत्याशी नारायण पटेल के समर्थन में जनसंपर्क किया और संकल्प पत्र जारी किया। कृषि मंत्री पटेल ने मुख्यमंत्री द्वारा किए गए कार्यों के बारे में अवगत करवाया। उन्होंने कहा कि नारायण पटेल के 15 महीने विधायक रहने के बाद भी विकास नहीं हुआ और इनके भाजपा में आने के बाद इन्होंने जिन कार्यों का बोला था उन्हें हमारे मुख्यमंत्री ने आचार संहिता के पहले ही घोषणा कर दी। मंत्री पटेल ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस की हालत ऐसी हो गई है जैसे केरी और वह पक जाती है और उसके बाद गिर जाती है, ऐसे ही कांग्रेस के विधायक टपक रहे हैं। मुंडी से शाहरुख मंसूरी की रिपोर्ट। विधानसभा का संकल्प पत्र हमने 28 विधानसभा उपचुनाव हो रहे हैं, सबके अलग अलग संकल्प पत्र जारी किए। जो हम कहते हैं वो करते हैं, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। और मांधाता में नारायण पटेल जी कांग्रेस में 15 महीने विधायक रहे, जो काम नहीं कर पाए वो इस्तीफा देने के बाद भाजपा में शामिल होने के बाद जो जो मांग रखी इन्होंने वो सारी मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी चुनाव आचार संहिता के पहले, और वो पूरे होंगे। 52 गांव में ग्रामीण नल जल योजना प्रदान स्वीकृत की गई है ना। ग्राम पुनासा को नगर परिषद का दर्जा दिया गया है। संत सिंगाजी समाधि मंदिर को धार्मिक पर्यटन स्थल घोषित किया गया है। संत सिंगाजी समाधि मंदिर पहुंच मार्ग का अतिरिक्त मार्ग, अभी जो भीड़ बहुत हो जाती है तो आने जाने में दिक्कत जाती है, इसलिए एक मार्ग और बनाया जाएगा ताकि एक जाने का एक आने का हो, ताकि आम यात्री धार्मिक यात्रियों को किसी प्रकार की बेटी बहू महिलाओं को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना जाए। उसके अलावा ओंकारेश्वर परिक्रमा की भूमि को आवासीय प्रयोजन हेतु उपयोग हेतु नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। मुंदी को तहसील का दर्जा दिया गया है, किल्लोट को तहसील का दर्जा दिया गया है, और उनासा बोराड़ी माइक्रो लिफ्ट इरीगेशन योजना का पुनर्आकलन करके उसका पूरा सर्वे करके स्वीकृत किया जाएगा। 100% जमीन सिंचित की जाएगी। जो दूर क्षेत्र में आ गई है जमीन है उनका मुआवजा नहीं मिला है, और इसलिए इसका पूरे सर्वे कराकर और पूरा मुआवजा किसानों को दिया जाएगा। सिपेज की जो है वो भी जहाँ रास्ते नहीं है खेतों में जाने के वो रास्ते बनाए जाएंगे, जहाँ नदी नाले हैं पुल पुलिया बनाई जाएंगी, सारे काम किए जाएंगे। ये हमने संकल्प पत्र दिया और हम जो कहते हैं वो करते हैं, और कांग्रेस हमेशा जो कहती है वो करती नहीं है। हाथी के दांत दिखाने के और कांधे के और अलग होते हैं, इसलिए कांग्रेस के ऊपर से जनता का विश्वास उठ गया। जनता का क्या, विधायकों का विश्वास कांग्रेस पर उठ गया, मंत्रियों का विश्वास उठ गया, ज्योतिर्दि सिंधिया जी राष्ट्रीय महासचिव थे उनका विश्वास उठ गया, और इसलिए अब कांग्रेस खत्म। कांग्रेस की स्थिति ऐसी हो रही है जैसे केरी कच्ची रहती है, पक जाती है तो टपाटप टपकती है, ऐसे कांग्रेस के विधायक टपक रहे हैं, कांग्रेस टपक रही है, कांग्रेस के कार्यकर्ता बीजेपी में आ रहे हैं, क्योंकि बीजेपी जो कहती है वो करती है। हमारे नेता अच्छे हैं, हमारी नीति अच्छी है, हमारी नीयत अच्छी है, और इसलिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, शिवराज जी के नेतृत्व में प्रदेश और देश आगे बढ़ रहा है, शक्तिशाली समृद्धशाली हो रहा है, और इसलिए कांग्रेस के जो अच्छे नेता हैं जो सच्चे नेता हैं वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं और आ रहे हैं, और ये उपचुनाव 28 के 28 विधानसभा भाजपा जीतेगी, और शिवराज सिंह जी स्थायी मुख्यमंत्री रहकर मध्य प्रदेश को स्वर्णिम प्रदेश बनाएंगे और कांग्रेस हमेशा के लिए खत्म। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।